प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में मानव व सांपों का गहरा संबंध रहा है। मानव द्वारा सांपों की पूजा भी की जाती है तथा इसी कारण बहुत से लोग इन्हें हानि नहीं पहुंचाते। शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 लोग सर्पदंश से मारे जाते हैं। भारत में सांप की लगभग 270 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 60 से 65 प्रजातियां ही विषैली हैं। इनमें से भी देश के 4 बड़े सांप अर्थात बिग फोर स्नेक्स ही मनुष्य की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांप हैं कॉमन क्रेट, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, रसल्स वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर। ऐसे ही एक घटना 24 वर्षीय युवक संदीप कुमार के साथ हुई। वह एक कारपेंटर था तथा उसके घर में लकड़ी जमा रहती थी। इसी वजह से उसके घर में चूहों की भरमार थी और कभी कभी रात में चूहे उसके बिस्तर पर आ जाते। वह नींद में ही बिना देखे चूहों को पकड़कर फेंक देता। ऐसे ही एक दिन उसे महसूस हुआ कि कोई चूहा उसके बिस्तर पर घूम रहा है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु उस दिन बिस्तर में चूहे की जगह एक सांप था। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो सांप ने उसे काट लिया। पहले तो वह पारंपरिक उपचारों में उलझा रहा, परंतु उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। घर वाले उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए और वह मौत के मुँह से बच निकला। अगले ही दिन घर की तलाशी के बाद वहां से यह कॉमन क्रेट सांप ढूंढ निकाला गया। ऐसी ही घटनाओं को लेकर पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर में शोध कार्य किया गया और पाया गया कि इस क्षेत्र में सर्पदंश के दौरान कुछ लोग तो मौत के मुंह से निकल आए, लेकिन अधिकांश लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। इस शोध कार्य में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी नवांशहर द्वारा लोगों के घरों से निकल रहे सांपों के जीपीएस लोकेशन के द्वारा मनुष्य और सांप के संघर्ष के प्रमुख स्थानों की पहचान करके एक नक्शा तैयार किया गया और इस पर आधारित शोध कार्य के दौरान यह तथ्य निकल के सामने आए। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में मानव आवास की वृद्धि के कारण खेती योग्य जमीन में कमी आई है और इस जमीन पर रहने वाले प्राणियों ने मनुष्य के घरों में घुसना शुरू कर दिया। जिन क्षेत्रों में सांप निकलने की सूचनाएं कम थी, वहां सर्वेक्षण से पता चला कि यह लोग सांप को या तो मार देते हैं या खुद ही घर से बाहर निकाल देते हैं। 302 लोगों से साक्षात्कार किया गया और पता चला कि 93 लोग सर्पदंश का शिकार हुए और लगभग 31 लोगों की मृत्यु हो गई। सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि 68% लोग सांप की पर्यावरण में महत्ता को नहीं जानते, 75% लोग इसे मानव जाति के लिए खतरा समझते हैं, लेकिन 89% लोग इनके संरक्षण के पक्षधार हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पढ़े लिखे लोग सांप के काटने पर अस्पताल जाते हैं, लेकिन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग पारंपरिक विधि से उपचार करने की सलाह देते हैं। 40% लोग सांप की दैवीय शक्ति पर विश्वास करते हुए उनके द्वारा मनुष्य का पीछा किया जाना और डसना आदि में विश्वास रखते हैं। 60% लोग इसके विपक्षी हैं। इसके अतिरिक्त सांपों का लोगों के घरों की ओर आकर्षित होने के कारण इस प्रकार हैं: जलाने योग्य लकड़ी व उपले आदि का अनुचित ढंग से भंडारण, कचरे का अनुचित ढंग से निपटारा, आसपास की सफाई ना रखना, स्टोर रूम की सफाई ना रखना व बेकार सामान को जमा करना। सांपों को घरों में घुसने से रोकने के लिए यह सावधानियां रखनी चाहिए। आसपास को साफ सुथरा रखें जिससे चूहे व सांपों को आश्रय ना मिले। कचरे व बेकार सामान का सही ढंग से निपटारा करें। ड्रेन पाइप्स के आगे जाली का प्रयोग करें। जलाने योग्य लकड़ी व उपलों का सही ढंग से भंडारण करें। जमीन पर ना सोएं, अन्यथा जमीन पर सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
चलने का रास्ता साफ रखें, अंधेरे स्थान पर काम ना करें और अंधेरे में चलते समय टॉर्च लाइट का प्रयोग करें तथा जूते पहनें। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसे शांत रखकर लेटा दें और शारीरिक गतिविधि बंद कर दें तथा खाने पीने के लिए कुछ ना दें। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दें। सांप के काटने पर किसी भी प्रकार का पारंपरिक उपचार ना करें, जैसे कि घाव पर चीरा लगाना, जहर को चूसकर बाहर निकालना, घाव पर कसकर पट्टी बांधना आदि। पीड़ित को खाने या पीने के लिए कोई भी नशीली वस्तु ना दें। सांप को पकड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसी प्रयास में सर्पदंश भी हो सकता है।